मुख्यमंत्री के बेटे, 3 बार से सांसद, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, बीजेपी के लोकप्रिय युवा नेता। अनुराग ठाकुर का इतना परिचय देना काफी होगा या कुछ और पहलू हैं उनकी शख्सियत के जो जानने हमारे लिए दिलचस्प होंगे। मैं हूं रुचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं अचीवर्स सक्सेस स्टोरी। और आज हम हिमाचल की खूबसूरती के बीच हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही सवाल, यहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन योरसेल्फ? आई थिंक लेट पीपल डिसाइड एंड डिफाइन रादर देन मी सेइंग एनीथिंग। आई जस्ट ट्राई एंड गिव माय 100%। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हौसले हों और कुछ करने के इरादे हों तो दुनिया झुकती है, आप अचीव कर पाते हैं। और हमने वो हिमाचल में करके दिखाया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम हमने धर्मशाला में बनाया, उसके अलावा कई और ग्राउंड्स बनाए, हिमाचल के खिलाड़ियों को जीतने की आदत डाली। लेकिन मुझे सदा ये लगा कि क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने को मिला, देश दुनिया देखने का मौका मिला, अलग अलग तरह के लोगों को जानने का अवसर मिला, जो आपको शिक्षा के अलावा बहुत कुछ एक्सपोजर के नाते आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि बगैर टिकट के सफ़र करने से लेकर फर्स्ट क्लास में सफ़र करना, हवाई यात्रा सफ़र करने से 5 स्टार में रहने के साथ साथ दरियों पे सोने तक, वो सब तरह के अनुभव क्रिकेट से सीखने को मिले, वो आज बहुत काम आते हैं। चलिए, तो चूंकि आज हम आपके क्षेत्र में बैठे हैं तो थोड़ा बचपन की यादों से शुरू करें, और ख़ासकर वो यादें जो हम कहते हैं कि वॉट मेक्स यू वॉट यू आर टूडे। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा पढ़ना लिखना बाहर हुआ, दूसरे राज्य में हुआ। गर्मियों की छुट्टियों में और बाकी त्योहारों पर, शादी ब्याह पर यहाँ पर आना होता था। तो मेरा प्रयास रहता था कि गर्मी की छुट्टियों में जितने रिश्तेदारों से मिल पाऊँ। 5-7 दिन में हम लोग लगभग 8-10 रिश्तेदारों के घरों पर जाकर सबसे मिलकर आते थे। वो बचपन की यादें, अब उतना समय मिलता नहीं। पहले 10-10 दिन निकल आते थे, 15 दिन निकल आते थे, 15 मिनट निकालने मुश्किल होते हैं। समय बदला है लेकिन वो यादें अब भी दिल में हैं। और मुझे लगता है हिमाचल की खूबसूरती और यहाँ के गांव, यहाँ के लोगों का सादगी और अपनापन, ये लगातार आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और मैं तो जब से राजनीति में भी आया, मैं कोई नेता बन के नहीं, बेटा बन के आया। आपने कहा राजनीति में जब आया तो नेता की तरह नहीं, बेटे की तरह आया। यही सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी। दो चीज़ें हैं कि एक तो जब एक आप बड़े हो रहे होते हैं और एक बड़े नेता के आप बेटे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, यू नो, पब्लिक व्यू में भी हैं आप, क्या कर रहे हैं, हर किसी की नज़र है। उसका थोड़ा सा कभी थोड़ा लगता था कि मेरा फ्रीडम नहीं है उतना मेरे पास जितना दूसरे बच्चों के पास होता है? जब मैं राजनीति में आया तो पहला चुनाव तो होता है कि धूमल जी का बेटा है, खेलों में से आया था तो लोकप्रियता उसके कारण थी, तो दोनों के मिश्रण के कारण बहुत सारे वोटों से जीता, रिकॉर्ड मतों से आज तक हिमाचल में जीता। लेकिन अगले 2 चुनावों में उतनी ही चुनौतियां उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धूमल जी गांव-गांव जाने वाले नेता थे, 24/7 पॉलिटिशियन थे, मैं राजनीति में नया था और मेरे पास जिम्मेदारियाँ राष्ट्रीय स्तर की आ गई। युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, 130 करोड़ के देश में 70 लाख की आबादी से देश का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात थी, बड़ी जिम्मेदारी थी। फिर कहीं ना कहीं उसको ठीक साबित करने के लिए बहुत भाग दौड़ की, एक आंदोलन, दूसरा आंदोलन, तीसरा आंदोलन, और समय भी आंदोलन वाला ऐसा बन गया कि कांग्रेस के घोटाले आते गए और कुछ ना कुछ ऐसा आता गया कि हमारी सीमा पर सैनिकों पर पथराव हो रहा था, तब भी आंदोलन करने पड़े। ये सब मुझे लगता है ईश्वर तय करता है, आपको केवल भागना है। तो मैं तो रेस के उस घोड़े की तरह भागता हूँ जिसने आंखों के आसपास पट्टी बांध ली और सीधे सीधा देखना है कि कहाँ पर भागना है। तो मैं इधर उधर नहीं देखता, मैं सिर्फ अपने ट्रैक पर भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है, सेवा करनी है और आगे ही बढ़ना है। चलिए, तो राजनीति विरासत में मिल गई, एक तरह से कह सकते हैं वोटर्स का, लोगों का प्यार भी विरासत में मिल गया, तो फिर विरासत में मिला सरनेम क्यों छोड़ा आपने? वो मैंने 9वीं कक्षा में छोड़ दिया था, उसके बड़े कारण हैं। मैं छोटा था तो 6ठी कक्षा में मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सैनिक स्कूल जाऊं, मेरे परदादा फौजी थे, मेरे दादा फौजी थे, मुझे वो शुरू से ही चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, और मेरा क्रिकेट में मन था, मैं घर से भाग गया क्रिकेट खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा मेरे पिताजी राजनीति में आगे हैं तो मुझे कोई ये ना कहे कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूँ कि नेता के बेटा करके खेल गया।
तो मैंने अपना नाम अनुराग सिंह ठाकुर लिख लिया, वो प्रेम कुमार धूमल करके चलते रहे। आज भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि मैं धूमल जी का बेटा हूँ। तो कभी वो थोड़ा शुरू में हेजिटेशन भी था कि पता नहीं मैं, मतलब मेरे अंदर पॉलिटिशियन वाले वो है या नहीं, क्वालिटीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मेरा हर किसी के लिए यही रहेगा कि कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि यहीं पे रुकना है। जहां अवसर मिले वहां पर अपना 100% दें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, सीखें। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जहां कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाली बातचीत नहीं थी, सिंपल ग्रेजुएट था, आज देश के लगभग 750 सांसदों में से मैं अकेला हूँ जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में स्टीयरिंग कमेटी में भेजा जाता है पिछले 4 वर्षों से। यही नहीं, कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पर इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर भी अपनी बात कही, उस संस्था ने यंग ग्लोबल लीडर्स में मुझे आज से 5 साल पहले चुना। जब तक कि मुझे लगता था कि दुनिया भर में केवल 2 पॉलिटिशियंस को चुना गया तो उसमें से एक मैं था। ये सब कुछ अपने आप होता गया। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कुछ इच्छा जाहिर नहीं की, भागदौड़ की, प्रयास किए, शायद कहीं ना कहीं ये सब अपने आप आता गया। BCCI का अध्यक्ष बनने का मैंने कभी सोचा नहीं था। छोटे से प्रदेश से आना, कहाँ शरद पवार जी, डालमिया जी और ये सब लोग बड़े बड़े नाम आते थे, वहाँ तक पहुँचा, तो मुझे लगता है ये केवल किसी पद की इच्छा ना किए बगैर काम किया है तो उसके कारण सब कुछ मिला है। लेकिन जब आप किसी चीज़ की सोच करके चलते हो कि मुझे पद चाहिए, तब नहीं मिलता, इसलिए करते रहना चाहिए। लेकिन BCCI को लेकर जैसे कॉन्ट्रोवर्सी हुई, हाउ डू यू डील विथ ऑल दिस? निराशा होती है कभी, गुस्सा आता है, क्या करते हैं? इन अ वे जब देश का मीडिया का एक सेक्शन बगैर समझे केवल नकारात्मक पब्लिसिटी पर ध्यान देता है, उसका नुकसान होता है। देखिए, हिंदुस्तान के कानून में शायद मेरे साथ ही हुआ होगा कि CRPC का नोटिस दिए बगैर चीफ जस्टिस ने मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया। ये दुर्भाग्य था। जो बात मैंने कही नहीं उसके खिलाफ मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया। मुझे कहा कि इन्होंने लोधा कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया, हालांकि हमने इमिजिएटली मीटिंग बुलाकर सभी सदस्यों को कहा इसको लागू करना है। एक अध्यक्ष होने के नाते मैं वही कर सकता था। 90% हमने मानने की बात कह दी, 10% पे दिक्कत थी। हमने कहा ये नहीं हो सकता है, इस पे बदलाव करने चाहिए। आज 14 महीने हो गए उस ऑर्डर को पास किए, 14 महीने में एक चीज आगे नहीं बढ़ी। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूँ, उस समय के तो जस्टिस थे वो, कि क्या हुआ 14 महीनों में, क्यों मुझे दूर रखा गया? उनका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस बात के आरोप मेरे ऊपर लगे कि आप में परजरी के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर के, 4 महीने बाद मेरे खिलाफ वो केस खत्म हो गया। जब तथ्यों में ही कोर्ट नहीं गया, ये नहीं जाना कि जो मेरा एफिडेविट था वो ICC के चेयरमैन ने लिखवाया, ICC के CEO ने उसको वेट किया, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? एक बार फिर से थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। जब नए नए राजनीति में कदम रखा और खिलाड़ी हैं, यंग हैं, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जब ऐसा लगा कि अरे अभी बहुत ग्रूम होना है एज अ पॉलिटिशियन, अभी मैं ट्रेन नहीं हुआ हूँ, कोई गलती हो गई, कुछ बोल दिया? या मुझे लगा सन 2000 में जब नितिन गडकरी जी ने मुझे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आप देखिए 2004 में हम चुनाव हारे थे, 2009 में हारे थे, मनोबल नीचे था। तो जुलाई 2010 में कश्मीर में पथराव की घटनाएं हो रही थी, 2000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए, और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रभक्त पार्टी से आना राष्ट्रवादी सोच के बाद, दूसरी तरफ से एक पूर्व सैनिकों के परिवार से आना, मेरे अंदर वो जुनून वापस जाग खड़ा हुआ कि हमारी फ़ौज के लिए कोई क्यों नहीं कह रहा। और मैंने देश भर में इंडिया फर्स्ट के नाम से कार्यक्रम चलाए, कश्मीर पर जागरूकता अभियान शुरू किया, और फिर कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा राष्ट्रीय एकता यात्रा मैंने की, जिसको बाद में तिरंगा यात्रा भी कहा गया। किसके लिए? 2000 सैनिकों के खिलाफ जो पथराव चल रहा था उसको रोकने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो उसको रोकने के लिए, उसमें हम सफल हुए। उसके बाद एकाएक देश भर में बहुत ऊपर ग्राफ चला गया, लेकिन तभी देखा तो एक के बाद दूसरे घोटाले बाहर आने शुरू हो गए। तो मैंने एक दौर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, लगभग 2000 कार्यक्रम हमने देश भर में किए। अन्ना हजारे जी तो बाद में आए, हमने उससे बहुत पहले शुरू कर दिए। संसद घेराव हमने 9 अगस्त को कर दिया, 1,00,000 नौजवानों के साथ दिल्ली में आकर संसद का घेराव किया, लाठियां खाई, घायल हुए,
16 अगस्त को अन्ना जी ने शुरू किया, हमने उससे पहले कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसका फायदा कोई और ले गए, लेकिन उसका पूरा काम हमने शुरू किया था। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई ब्लंडर किया, या पिताजी से पूछते रहते हैं कभी एडवाइस, हाउ मच? हमारी राजनीति पे कभी बात ही नहीं, दोनों की कभी भी कोई राजनीतिक डिस्कशन नहीं होती। अच्छा, हम लोग घर पे मिलेंगे तो घर की बात, कोई और बात, राजनीति पे कभी हमारी डिस्कशन नहीं। मतलब ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि नहीं तो सलाह दी जाए आपको कि कभी भी नहीं बेटा ऐसे कर लो। मेरी माता जी ऐसी थी जो कहती थी बेटा राजनीति में मत आना, बाकी जहां मर्जी चले जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा पिताजी ने पूरा समय राजनीति के लिए दिया है, हमारे लिए परिवार के लिए वो कम रह जाता है। आज वो मेरे बच्चे भी सोचते होंगे कि सारा समय तो समाज के लिए चला जाता है, हमारे लिए कहाँ पर है। अगर मैं उनकी ATM पर भी नहीं जा पाता हूँ तो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरा कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है पहले से। But do you miss out on that normal family life? I do. तो कैसे मेकअप करते हैं कभी जब जब परिवार के साथ होते हैं? कॉम्पनसेट ऐसे करता हूँ कि मेरा बड़े वाला बेटा अगर वो कभी क्रिकेट खेलना चाहे और मैं एक घंटा निकाल के कहीं से बोलूँ कि अब एक घंटे के लिए दरवाज़ा बंद कर दो, जो आए सबको चाय पिलाओ, एक घंटे के लिए मैं उसको बॉलिंग कर देता हूँ कि आप बेटा क्रिकेट खेलो। छोटे वाला अभी छोटा है, वो चेस खेलता है, तो चेस में तो मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं, वो तो चैम्पियन है एक तरह से, अपने आप ही खेलता है सीखता है। तो मैंने कहा तो पापा को तो हरा दिया लेकिन अच्छा बेटे के हाथ से हार रहा हूँ। आप चाहेंगे कि आपके बेटे भी राजनीति में आए? मैंने कभी भी नहीं सोचा, ना मेरे पिता ने कभी। देखिए मेरे पिताजी लिखते हैं प्रेम कुमार धूमल, मैं लिखता हूँ अनुराग सिंह ठाकुर, मेरे बच्चे लिखते हैं जय आदित्य सिंह, उदयवीर सिंह, तो वो ठाकुर भी नहीं लिखते। तो उनको जो करना है वो अपनी मर्जी से करें। एक और एस्पेक्ट है टेरिटोरियल आर्मी, आपने ज्वाइन किया मेरे ख्याल से पहले पार्लियामेंटेरियन, बीजेपी का पहला सांसद, बीजेपी के पहले सांसद, वो कैसे आइडिया आया? तो मुझे याद है 2008 में मैं, अखिलेश यादव, नीरज शेखर, सचिन पायलट, हम सब लोग एक कार्यक्रम में गए जहां पर कपिल देव वगैरह को ऑनररी टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य बनाया जा रहा, इंडियन आर्मी में लिया जा रहा था। हम लोग गए, हमने कहा हम कैसे फौजी बन सकते हैं? आप लोग, हम लोग सब कुर्ता पजामा में गए। कहा आप लोगों की उम्र निकल गई, आपने, हमने कहा कपिल देव कैसे बना? कहते ऑनररी बने हैं। तो बड़ा मन उदास हुआ, सब लोग वापस आ गए। मैं उड़ीसा में एक बार OTV के फंक्शन पे गया तो वहाँ पे मुझे व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा आप अभी भी फौजी बन सकते हो, टेरिटोरियल आर्मी में थे। मैंने कैसे? कहते आपको कमीशन पास करना पड़ेगा। देन आई केम बैक, मैंने फटाफट फॉर्म भर के भेजा, लास्ट डेट थी, दो तीन दिन बचे थे, तो मैंने फॉर्म भर के भेजा। कॉल आई, चंडीगढ़ इंटरव्यू देने गया तो हिमाचल के बहुत सारे लोग थे, पंजाब, तो सब लोग पहचानते थे नौजवान। उनको लगा ये कहीं टेस्ट लेने आया क्या करने, जब देखा मैं साथ में बैठा टेस्ट लिख रहा हूँ, तो आधे लोग मेरी शक्ल की ओर देखें, तो जो बेचारा है वहाँ पे इंचार्ज थे, उन्होंने कहा तुम लोग अपना टेस्ट दो ही और अपना लिख के चला जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें है जब मैं पूरे देश भर में से 250 के दो ग्रुप हज़ारों में से चुने गए, तो भोपाल SSB में गए, तो मैं वहाँ पहुँचा तो हमारे बैग रखवा लिए, कहा बैग शाम को मिलेंगे जब रिजल्ट आउट होगा, इसमें से 40 लोग सिलेक्ट होंगे बाकी बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा बड़ी बेइज्जती होगी, तो 40 न्यूज़ मीडिया में आ जाएगा। तो मैंने टेस्ट उस दे के कर दिया, तो जब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे सब लोगों ने कहा कि जो भी रिजल्ट आएगा आपने रुकना है, हमने आपसे सेल्फी लेके जाना है। तो मुझे लगा यार मैं कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ तब दिक्कत हो जाएगी, तो मैं सिलेक्ट हो गया। गाना पसंद भी करते हैं, कोई गुनगुना दीजिए अपनी पसंद। मुझे लगता है जितने लोग आसपास भी हैं सब भाग जाएंगे अगर मैं गा दूंगा। नहीं नहीं कोई नहीं भागेगा। तो मैं सुनने वालों में से ही रहूं श्रोता, जैसे मैं आपके शोज देखना बड़ा पसंद करता हूं, तो मैं श्रोता ही रहूं तो अच्छा है, मैं आपकी भूमिका में नहीं आना चाहता। पोल्यूशन और इतना सब स्ट्रेस, वहाँ से यहाँ अच्छा लगता है यहाँ की हरियाली? पहली बात तो घर घर होता है, और घर अगर हिमाचल प्रदेश में हो जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य इतना ज़्यादा हो, मुझे लगता है वहाँ से दूर जाने का किसी का भी मन नहीं करता।
लेकिन जिम्मेदारियां दिल्ली में पार्लियामेंट में भी निभानी पड़ती है, इसलिए वो भी रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आकर लगता है कि अगर देश और दिल्ली के लिए लंग्स का काम कोई करता है तो हिमाचल प्रदेश। इतना बड़ा फॉरेस्ट कवर, इतनी हरियाली, पहाड़, सुंदरता, पानी, मुझे लगता है हिमाचल अपने आप में बहुत आकर्षित करता है लोगों को। और आप स्वयं वहीं से हो तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं। यहाँ के लोगों की, वैसे आप जब इतने सब लोगों से मिलते हैं तो टिपिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग आपके पास लेकर आते हैं? देखिए, प्रमुख समस्या यहाँ पर लोगों की पानी की है। पहाड़ों में इतना पानी है, लेकिन उसके बावजूद अगर पानी को आप रोक ना पाएँ, चैनलाइज ना कर पाएँ, तो फिर वो दिक्कत आती है। और अगर बर्फ़ ज़्यादा ना पड़े, सही समय पर ना पड़े, नवंबर दिसंबर में ना पड़े, तो उससे क्या होता है कि गर्मियों में पानी की बड़ी किल्लत आती है। इस साल बर्फ़ कम पड़ी है तो किल्लत आने वाली है। मुझे लगता है स्वास्थ्य की सुविधाएं, क्योंकि गांव से लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन पूर्व में हमारी जब सरकार रही तो हमने 108 नंबर एम्बुलेंस की सुविधा दी, उससे लोग बगैर खर्च किए वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचते थे। अब हमने उसको एक स्टेप और ऊपर किया है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के जिला बिलासपुर के लिए एम्स अस्पताल मंजूर करवा दिया, PGI ऊना के लिए मंजूर करवा दिया, हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर करवा दिया, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सब करवा दिया। को लगता है मतलब आपका जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन है, कॉन्टैक्ट है लोगों से, वो शायद लोगों का दिल जीतता है? निश्चित तौर पर, अगर आप विशेष तौर पर मातृशक्ति को देखें और युवाओं को देखें, उनको बहुत अपनापन लगता है। माताएं तो ऐसे होती हैं, हमारा अपना ही बेटा है, ये तो अपना है, ये तो बस हमारे बेटे ने ये कर दिया, वो नेता नहीं बेटा समझ के चलती है। और युवाओं को लगता है तो हमारा भाई हो। वो कुछ लोग झिझकते भी हैं कि यार MP है, बात करेंगे, लेकिन जो एक बार बात करते हैं वो फिर बार फिर तो खुले पे बात करेंगे, भैया वो आपको करना है। तो अधिकार के साथ जब कोई व्यक्ति आपसे काम करता है तो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मुझे लगता है मेरी यही कमाई है। चलिए, अब सब काम और राजनीति से हट के दो चार बातें। वैसे मेरा पहला सवाल थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। आपकी उम्र के जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहे दूसरे पार्टियों के ही क्यों ना हो, what kind of relationship do you share with them? I have very good cross political parties, very good relation with them. और आप देखेंगे भारत का कोई भी राजनीतिक दल है उसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं। और बहुत अच्छा वो लोग अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, ना उनका मेरे साथ कोई कंपटीशन है ना मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि वो अपने क्षेत्रों में क्या क्या कर रहे हैं, उनसे सीख कर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में उसको लागू कर सकता हूँ। चलिए, अब फाइनली राजनीति से हटते हैं, राजनीति और खेल, इसके अलावा अनुराग ठाकुर के प्यार क्या क्या हैं? मुझे ड्राइविंग करना, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, दुनिया घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप जितना देखेंगे, जितने ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और जो आप सीखते हैं उसको अपने क्षेत्र में लागू करें। ड्राइविंग और म्यूज़िक स्ट्रेस रिलीवर हैं, तो आप खुद गाड़ी चलाएँ। एक तो आपको फ़ोन से ब्रेक मिलती है, आप फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, सीट बेल्ट पहन लेते हैं। दूसरा, गाने सुने तो आपको कहीं ना कहीं वापस मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, वापस उस ज़माने में ले जाते हैं। और पुराने गानों में एक बहुत खासियत है कि उनके जो लिरिक्स हैं वो आज उसका कोई मुकाबला नहीं। उस समय का जो म्यूज़िक है, जो उनमें अर्थ छिपा हुआ है, वो शायद उसका कोई मुकाबला नहीं। गाना पसंद भी करते हैं, कोई गुनगुना दीजिए अपनी पसंद। मुझे लगता है जितने लोग आसपास भी हैं सब भाग जाएंगे अगर मैं गा दूंगा। नहीं, कोई नहीं भागेगा। तो मैं सुनने वालों में से ही रहूं श्रोता, जैसे मैं आपके शोज देखना बड़ा पसंद करता हूं, तो मैं श्रोता ही रहूं तो अच्छा है, मैं आपकी भूमिका में नहीं आना चाहता। चलिए, आखिरी सवाल, कौन सा सपना है जो भी अधूरा है? हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाऊं, हिमाचल प्रदेश के लिए खूब काम करूं, ताकि मेरा छोटा सा राज्य जो मात्र 70 लाख की आबादी का है, जिसको देवभूमि, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, देवी देवता यहाँ पर रहते थे, उनका आशीर्वाद सब लेने आते हैं, यहाँ के नौजवानों ने अपनी वीरता के कारण इसको वीर भूमि का नाम दिया, और मैं इसको अब खेल भूमि बनाना चाहता हूँ। तो वीर भूमि, देवभूमि, खेल भूमि, ऐसा मेरा हिमाचल हो। सुंदर तो है ही, लोकप्रियता है इसकी, यहाँ पर लोग खेलने के लिए भी आएँ, यहाँ पर देवी दर्शन करने के लिए भी आए, और वीरता को लेकर हमारे वीर आगे और वीरता के काम करते रहे। अनुराग ठाकुर जी, चूंकि शो का नाम है अचीवर सक्सेस स्टोरी, तो जो लोग ये शो देख रहे हैं, खासकर युवा, मैं चाहूँगी आपका एक मैसेज
उन सब लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में? आपके मन में अगर आपका कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी आपने सपना देख रखा, आपको प्रतिदिन सुबह सोचना है कि आज उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। सोने से पहले 2 मिनट अपने लिए फिर देने हैं कि क्या मुझे जो करना था मैंने किया, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ये दोनों आपको ही तय करने, आपका कोई मदद करने नहीं आएगा, आपको स्वयं अपनी मदद करनी है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। सफलता आपके कदम चूमेगी, अवार्ड चलते रहेंगे, लेकिन आपका योगदान ये देश ये समाज कभी नहीं भूल पाएगा। मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।